दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे सिर्फ दो लहसुन और दो लौंग, जी हाँ ये दो लहसुन और दो लौंग का मैं इस्तेमाल करूँगी और आपके बच्चे की जो छाती में कंजक्शन हो जाती है, जो चेस्ट में कंजक्शन हो जाती है, जिसे हम देसी भाषा में छाती जम जाना कहते हैं, वो मिनटों में ठीक हो जाएगी। बस आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार, बस हम रेसिपी बनाते हैं और आपको बस ये ध्यान देना है कि जो जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको जैसे जैसे हमने प्रयोग किया है, जिस जिस सीरीज़ में प्रयोग किया है, आपको भी वैसे ही करना है। बस इसको इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बच्चा जो है वो घर में खेलता खुलता नज़र आएगा, बल्कि जो बीमार पड़ा होगा ना बच्चा छाती के मारे, वो देखेगा कुछ मिनटों में कैसे ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। देखिए सबसे पहले इस होम रेमेडी के लिए हमें एक पैन चाहिए। अब इसको हम टेम्परेचर सेट कर देंगे और इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें करीब 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है आपको पता लग जाएगा इसमें हल्के हल्के बबल आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तेल गर्म हो गया है और बबल्स भी आ रहे हैं, हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे और इसमें ये दो लहसुन की कली डालेंगे, पर संभाल के डालिएगा कि हाथ में छींटे ना आए। साथ ही हम ये दो लौंग इसमें डालेंगे और हम डालेंगे करीब 1 चम्मच अजवाइन। अब इसको आपको तब तक पकाना है जब तक ये लहसुन की कली काली ना हो जाए, हल्की ब्राउन ना हो जाए, आपको तब तक इसे पकाना है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब आपको इसको ठंडा करना है। अब तेल ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बर्नी में छान लेंगे। तो देखा आपने, मिनटों में तैयार हो गई ये होम रेमेडी और कितनी काम की है। और आपको करना भी कुछ नहीं है, बाजार से भी ज्यादा कुछ नहीं लाना, ये सब चीजें हमारी रसोई में उपलब्ध होती हैं। तो बस आपको इसको नियमित रूप से अपने बच्चे की छाती पर दिन में 2 बार लगाना है और फिर बच्चे में चेंजेस आप खुद देखेंगे और खुद महसूस करेंगे कि वाकई में ये काम की होम रेमेडी पहले क्यों नहीं पता लगी। फिलहाल के लिए इतना ही।